But I got really poor marks in interview. So I got just 124 in the interview, which is basically the interviewer telling you ki tum mujhe service mein nahi chahiye, tum rehne do. You are not meant for the services, right? Or probably I should say UPSC life is like a boxing ring. You do not lose the fight when you fall down, but you lose the fight when you refuse to get back up. How was your UPSC preparation? उसके बारे में please बताइए। तो तैयारी भी मैंने because वो पूरा plan चल रहा था ना, so it was a plan devised in 11th standard of my educational journey. तो वो पूरा plan था कि ठीक है आप पहले 11th 12th में यहाँ पे commerce पढ़िए, फिर वहाँ पे आप दिल्ली में जाइए economics honors, वहाँ पे बहुत अच्छा course है, you will do that and you will also take economics as your optional because what better than studying economics and take economics optional and you will start your preparation in the third year of your college. So that was the entire plan and it was going well with a few hiccups here and there, but that's fine. But so third year of college mein I started my preparation journey. I joined a coaching. Wahan pe ne thoda sa apne seniors wagera se puch ke coaching join kiya and I started preparing. And I think this was later, matlab mere third year ke kuch aakhri ke mahino mein maine preparation shuru ki. And with the preparation of, I think, 3 to 4 months, मैंने first attempt भी दे दिया and I could not clear prelims for by about 1 or 2 marks. उसी बीच ये भी एक बहुत बड़ा decision point आया था कि मुझे optional subject कौन सा लेना है. मुझे पता नहीं आप मुझसे आगे पूछने वाले हैं कि नहीं, but this is part of the journey. तो उसमें optional subject economics लें या क्या लें, ये बहुत बड़ा decision point था. अब मैंने तो पूरी journey prepare कर रखी थी ना, so I had taken the decision long back in 11th standard. मुझे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना, तो आई वाज हेल बेंट ऑन इट एंड आई वाज डिसेंट इन इकोनॉमिक्स, ठीक ठाक आती थी मुझे उस समय पे. तो बोला कि अब क्या करेंगे, तो फिर आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय फैकल्टी इन माय कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो वो कह रहे कि सो अब इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, सो द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट आई बिलोंग टू, वहां पे जो भी जाता है वो या तो हिस्ट्री लेता है या फिर लॉ लेता है, एंड 90% ऑफ द पीपल एंड अप ऑप्टिंग फॉर लॉ एज देयर ऑप्शनल इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग एनी बैकग्राउंड इन लॉ और एनी इंटरेस्ट इन लॉ फॉर दैट मैटर. वो मतलब उस तरह से परस्यू किया जाता है उस कोचिंग को. तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दो स्केप गोट्स की मुझे बोला गया कि इकोनॉमिक्स में तो नंबर नहीं आएंगे, लॉ में नंबर आएंगे. आई थिंक इट वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट बट इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ माई लाइफ. फॉर्चुनेट बिकॉज बोथ द टाइम्स आई रोट मीन्स इफ इज लॉ इज माई ऑप्शनल आई स्कोर डिसेंटली वेल एट टाइम्स मोर देन लॉयर्स. एंड इल इन्फॉर्म्ड बिकॉज आई डिड नॉट डू एनी आरएनडी एट ऑल एंड इट इज अ डिसीजन नॉट टू बी टेकन लाइक दिस. इट इज अ डिसीजन विच यू हैव टू टेक keeping many things in mind, especially your interest and the scoring pattern and your background, of course. So, वो एक important pointer था जो मुझे लगा कि important, but so I, like I said, I was fortunate to choose a subject which was not my background but still scored decently well. Okay, so first attempt में I wrote prelims and did not clear, but I think I was not very disappointed of the fact कि मैं शायद तैयारी बेटर कर सकता था, शायद मुझे समय थोड़ा और ज्यादा देना चाहिए था, शायद मुझे तैयारी थोड़ा 2 महीने पहले शुरू करनी चाहिए थी. बट आई ऑल्सो न्यू कि मेरी दिस इज नॉट माई बेस्ट, सो आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड टू द एक्सटेंट कि मैं अपना बेस्ट देके फेल हो गया, वो नहीं था कभी भी इस अटेम्प्ट में. देन आई इमीडिएटली एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू मास्टर्स, माई कॉलेज गॉट फिनिश्ड एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकंड अटेम्प्ट. प्रीलिम्स लिखा, प्रीलिम्स निकल गया, मेन्स लिखा, मेन्स निकल गया, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू निकल गया, बट रैंक आ गई 366. आई गॉट इनटू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस दैट ईयर, सीएससी 2016. बट जब मार्क्स आए तो फिर आई रियलाइज कि दैट मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लॉपसाइडेड. सो आई गॉट रियली गुड मार्क्स इन मेंस, बट आई गॉट रियली पुअर मार्क्स इन इंटरव्यू. सो आई गॉट जस्ट 124 इन द इंटरव्यू, विच इज बेसिकली द इंटरव्यूअर टेलिंग यू कि तुम मुझे सर्विस में नहीं चाहिए, तुम रहने दो, यू आर नॉट मेंट फॉर द सर्विसेज, राइट? But fortunately, I had scored really well in mains and I was still able to get some rank in this. Then third attempt, I wrote third attempt, 15 din baad tha result ke, fir prelims fail ho gaye. It was a really big shock to me ki main service mein aane ke baad prelims mein fail kaise ho sakta hun. And I think I was really, really disappointed with myself this time. Meanwhile, meri service lag chuki thi, training started in Shimla, I went there, fir maine decide kar liya tha ki I will probably not write again. But I met a friend of mine, mera batchmate hai wo. We both, he was very young, he was I think 2 years younger to me. Hum dono baat kar rahe the and he motivated me and I think both of us finally decided ki chalo ek attempt aur dete hain and probably this will be the last attempt for all of us, for the two of us.
this was the last attempt for me, I think, mentally also and practically also. So I wrote this attempt, fourth attempt, and today I'm sitting in front of you. So during training, aapne last attempt diya. So wo preparation aap kaise karte the during training? Because it must be very difficult, no? So during training, Nikita, from 9:30 to 5:30, we used to have classes. And classes mein aap pad nahi sakte because it's a professional training. Na, to usko aapko na lightly lena chahiye na wo lene dete. So we used to concentrate like I used to do in school times. Main class mein pura concentrate karne koshish karta tha ki theek hai yahan pe jitna seekh le seekh le. Post that, we used to freshen up by playing tennis for an hour or so. And then whatever time we had from about, I think, 7 o'clock till 12 o'clock in the night. So humare paas 5 ghante hote the. Aur subah ka jo 1-1.5 ghanta hota hai humare paas. वो सुबह का 1-1.5 घंटा हम वी यूज्ड टू ट्राई टू यूज फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट एंड ऑल दैट बट द की वाज वन टू नॉट अलाउ इट दिस थॉट टू कम इन योर माइंड कि आपको 18 घंटे पढ़ना जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए जो कि आई थिंक वन ऑफ द मिथ्स व्हिच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन टू आई डिसाइडेड कॉन्शियसली कि मुझे कुछ भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है आई विल फोकस मोर ऑन क्वालिटी एक्सेप्ट करंट अफेयर्स आई डिड नॉट रीड इवन अ सिंगल पेज ऑफ न्यू मटेरियल आई जस्ट रिवाइज व्हाटएवर आई हैड learned and read in the second attempt of my mains and prelims, whatever static information had to be there. And three, I focused much more on the mistakes which I had did in the second and third attempts, which was basically that I lacked preparation for prelims. Because personally, I felt prelims as the hardest stage of the exam. So I prepared much more in terms of practicing tests. So I think those two, three ways I prepared and fortunately, I was able to clear it. So what is the, like, आपने क्या एग्जैक्ट चेंज किया जो आपको बहुत ही हेल्प हुआ इन द लास्ट अटेम्प्ट भाई मैं कह रहा हूं तो द मेन चेंज दैट आई ब्रॉट इन अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं सो देयर वर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम राइट सो प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो यही था कि आई वाज रिलेटिवली ऑलवेज लेस कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स बिकॉज़ आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ सो दिस टाइम आई प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट 32 टेस्ट पेपर्स फ्रॉम एनीवेयर एनी कोचिंग एनी इंस्टीट्यूट दैट इट डजंट मैटर बिकॉज़ द क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट द प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट तो वो मैं 30-32 टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए तो दैट रियली हेल्प्ड मी हेल्प बूस्ट माय कॉन्फिडेंस अबाउट राइटिंग द एग्जाम सो दैट वाज वन एंड स्पेशली बिकॉज आई हैड लैक आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फुल टाइम फॉर यूपीएससी राइट अगेन आई वाज जस्ट टेकिंग इट अलॉन्ग विद माई ट्रेनिंग सो आई हैड टू यूज माई टाइम वेल सो दैट वॉज देयर एंड बिकॉज आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग न्यू मटेरियल आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग सो आई वॉज ऑल्सो एबल टू रिकॉल थिंग्स मच बेटर एज कम्पेयर टू what I was able to do earlier. So the importance of revision also came to the fore there. कि आपको revise ज़्यादा करना है, focus on quality rather than quantity, you know. So वो दो चीज़ें बहुत important हो गई थी. तो वो बदलाव था वहाँ पे. Mains में I did not change anything apart from the fact that I did not add any new information. It was same. कि मुझे same चीज़ करनी है. I am going to write the same test papers. I am going to revise the same material except current affairs. So the strategy was the same as last time. And interview me, I had taken it very, very lightly during the second time. I had not prepared anything. I just thought, it's an interview. What can you prepare for an interview? Aisa nahi hai. UPSC ka interview is very different. So I prepared the detailed application form very, very minutely. All the keywords were prepared. The research was done. I spent almost 2 months on the preparation for an interview. I had also given, I was also given that much time before the interview. And उन तीनों चीजों को मिला के आई वाज एबल टू अचीव दिस रैंक दिस टाइम बट एज यू सेड कि लास्ट इंटरव्यू में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे तो ऐसा मेजरली आपने इंटरव्यू में क्या चेंज किया था दो चीजें इंटरव्यू में वन मैं जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं आई थिंक आजकल यूपीएससी मेंस के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम नॉट वेरी श्योर दो तो एनीवे सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से डिटेल्स भर रहे हो सो देर आर फ्यू वेरी की कॉलम्स इन दैट फॉर्म वन इज अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड ऑल्सो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड को करिकुलर अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट दोज आर द थिंग्स वेयर द एग्जामिनर फोकसेस कि अगर उसको सवाल आपके डेफ में से पूछना है तो वो इन सब चीजों में से पूछने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है राइट सो लास्ट टाइम आई हैड फिल्ड द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आई हैड फिल्ड इट आई ट्राई टू फिल इन एवरीथिंग If I am trying to fill my hobbies and interests, I am writing 3-5 hobbies. Ki mereko movies bhi dekhni hai. I want to read books also. I am going to play sports also, right? And co-curricular, I am writing everything. Ki main 10th mein discipline head tha. Main 11th mein maine school top kiya. 12th mein dekhiya. College mein kiya. So I am trying to bombard the examiner with too much information, which is immediately meaning that I have to study that much more, right? Because one, the examiner ki attention us cheez pe focus hogi hi nahi.
और टू इट इज बिकमिंग वेरी जनरल बिकॉज द मोर इन्फॉर्मेशन यू ट्राई टू पुट इन द मोर जनरल इट विल बिकम ना, क्योंकि मेरिट होल्डर टेंथ में बहुत सारे हैं राइट, बट मे बी कॉलेज में इतने नहीं होंगे, सो दैट लेस द मोर इन्फॉर्मेशन यू पुट इन द मोर जनरल इट बिकम्स राइट. सो दिस टाइम आई डिड वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, आई डिसाइडेड आई विल राइट ओनली वन हॉबी एंड अ वेरी स्पेसिफिक हॉबी विच वॉज रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, दैट्स ऑल. In terms of extracurricular achievements, I had co-authored a book, so I just wrote that book. The subject was pretty difficult, but I thought that it is much better to prepare for just one difficult topic rather than 10 easy topics. So that was my decision. So basically the point is I tried to bring in quality into the detailed application form rather than quantity here also. I think which helped me because one, I could feel that sense of confidence about preparation for the interview because I had to prepare a relatively less material. And two, I also gave some unique pointers to the examiner to ask me questions upon. Like I gave it them ki aap mujhe reading aap mujhe sirf non fiction books ke bare mein puchiye because those are the only books I read, right? So that also reduced the spectrum of questions that they could ask me about reading books also, which is a key aspect of the personality test in UPSC interview, right? So I think those are the two things that prepare well. Whatever you have written in the detailed application form, it has to be prepared very minutely. But at the same time, whatever you fill in the detailed application form also becomes extremely, extremely important. So you have given three attempts total. So, four attempts. So what kept you motivated throughout? Because char attempts, they now back to back and, you know, and there's some, you have to be motivated throughout. So what kept you motivated? Nikita, this is a question which, you know, which is very subjective, which is very individualistic. But I think agar main apni baat karun aapse, to motivation ke liye, it is very important that you have to look beyond the exam. So for me, the journey of UPSC Civil Services has never been, the end of the journey has never been ki mujhe exam clear karna hai, mujhe thik-thak rank lani hai, phir mujhe academy jana hai aur meri zindagi shuru ho gayi, khatam ho gayi, ab jo hoga. It is going to be on an auto mode. Aisa kabhi bhi meri jeevan mein nahi tha. I always had plans for myself after I cleared the exam. So for example, I had always thought that I want to work in girl child education once I cleared the exam. So there were certain plans which were already being formed in my mind about the changes that I wanted to bring in, the kind of service that I wanted to provide to the society, the kind of work that I wanted to do. Mujhe apne jeevan ko kis tarah se mold karna tha aane wale samay mein after I cleared the exam. वो मेरे जीवन के कुछ पहलू थे, वो पहले से बहुत क्लियर थे, यू नो, वो उस वजह से द मोटिवेशन वाज प्रीटी हाई बिकॉज मेरी जर्नी में एग्जाम क्लियर करना वाज नेवर एन एंड इन इटसेल्फ, राइट? तो दैट इज व्हाट आई मीन, मतलब वो मोटिवेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर. एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली विद व्हाटएवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आई हैड, आई वाज ऑलवेज एबल टू see at least a part of that bigger picture and which helped me keep myself motivated. So for example, जब मैंने चौथा अटेम्प्ट देने के लिए फाइनली आफ्टर बहुत आना करने करने के बाद जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं चौथा अटेम्प्ट दूंगा, तो द मेजर रीजन वाज दिस ओनली, आई वाज इन ऑर्डिनरी अकाउंट सर्विस, आई वाज प्रीटी सिक्योर, मुझे सैलरी सरकार जीवन भर देता रिटायरमेंट तक, राइट? सो आई वाज एंड आई वुड हैव बीन अ डिसेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, बट आई रियलाइज दैट मैं वहां पे उस स्केल का इंपैक्ट नहीं ला पाऊंगा, राइट? सो दैट इज व्हेन आई हैड टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं अपने जीवन को जिस तरह से द बिगर पिक्चर दैट आई हैड सीन फॉर माई लाइफ, वो शायद उस मायने में वहां पे पूरी नहीं हो पाएगी. तो वो मायने ढूंढने के लिए मुझे वो चौथा अटेम्प्ट लिखना पड़ा और मैं दोबारा मैंने अटेम्प्ट दिया और फिर मुझे फॉर्चूनेटली एक इंप्रूव्ड रैंक आई वहां पे. लास्ट नॉट द लीस्ट, मैसेज टू आवर ऑडियंस जो आपको भी सुन रही है और देख रही है, सो प्लीज. सो आई जस्ट वांट टू से टू द ऑडियंस वाचिंग मी दैट यू नो, बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ. And I think with passion, you can achieve 10 times of what you actually think you are even capable of achieving, you know. And it is very, very important for life that UPSC is just an exam. So please, and I think I have that authority to say that it is just an exam and I'm sitting on the other side of it and I can see life from here. It is not very different from that side also. Like you can achieve much more from that side also. So please treat it just like an exam. It is a good life, it is a good job, but it is at the end of the day just a job, you know. So please be passionate, but don't think UPSC is your life, and if UPSC doesn't happen then life stops. It doesn't. And I use this anecdote very, very often, and this is I think this is with this I would like to end my message for the audience, and this is that UPSC and life, or probably I should say UPSC life, is like a boxing ring.
you do not lose the fight when you fall down, but you lose the fight when you refuse to get back up. So this is my message for the audience, and thank you so much for having me here.